ऐसे ख्यालात जो इंसान के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, ऐसे पैशंस जो कि इंसान के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बर्टनार्ड रसल्स आर दीज आइडियाज जो कि हेल्प करते हैं मैनकाइंड की. बर्टनार्ड रसल हैज बीन कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट जीनियस मैन ऑफ 20th सेंचुरी. ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड अ वेरी सेंसिटिव मैन. वर्ल्ड वाज डाइवर्टेड his sensitivity towards the survival of humanity. He started to meditate upon all the beliefs and ideas that have either helped or harmed humanity. और उसने उन तमाम जो है आइडियाज बिलीव्स के ऊपर मेडिटेट किया है जो कि हेल्प कर सकती हैं या हार्म कर सकती हैं ह्यूमैनिटी. रसल डील हिज एवरी सब्जेक्ट लॉजिकली विद ऑल द डेप्थ. Therefore, in describing the idea that has held mankind, he first cleared the concept of help as to what thing can be considered as helpful for mankind. सबसे पहले वो ये बताता है कि भाई help होती क्या है. According to him, the increase in numerical strength of man, their rising above animal level, increase in their knowledge, their diversity of experience, and the idea of their becoming friendliness. More friendly to each other and adding to their happiness are various fields in which human beings can be considered as the help and their aspect ideas can help men. अब वो यहाँ पे कहता है कि increase in numerical strength of men, उनका rise हो जाना above animal level, उनका increase हो जाना in their knowledge, उनकी diversity of experience और idea के वो friendliness बनते हैं. मतलब आइडिया ऑफ देयर बिकमिंग फ्रेंडलीनेस, मोर फ्रेंडली टू ईच अदर एंड एडिंग टू देयर हैप्पीनेस आर वेरियस फील्ड. और जो उनके हैप्पीनेस के अंदर ऐड होता है ये वो वेरियस फील्ड हैं जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं कंसीडर करते हैं हेल्प को और एस्पेक्ट आइडियाज और देयर एस्पेक्ट आइडियाज कैन हेल्प मैनकाइंड और उनके एस्पेक्ट्स को उन एस्पेक्ट ऑफ आइडियाज को जो कि हेल्प करते हैं मैनकाइंड को. रसल थिंक दैट इन द लास्ट टू एस्पेक्ट फ्रेंडलीनेस एंड हैप्पीनेस ideas have more or less helped mankind. Man has surely survived because of his intellectual ability. Otherwise, in physical safeguard against cruelty of nature, animals are more equipped than human being. Russell ये कहता है कि इंसान जो है ना अपनी intellectual ability की base पे जो है ना हमेशा जिंदा रहता है. Otherwise, अगर physical safeguard के बिना पे देखा जाए against cruelties of nature, तो एनिमल जो है वो ज्यादा इक्विप्ड हैं, वो ज्यादा क्रुएलिटीज ऑफ नेचर को फेस कर पाते हैं. हालांकि उनका तो ना घर होता है ना उनको उनकी प्रॉपर कोई कुक होती है फूड और कुछ भी नहीं होता. लेकिन अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स जो हैं और क्रुएलिटीज ऑफ नेचर को देखें तो एनिमल ज्यादा अच्छे तौर पर फेस कर जाते हैं क्रुएलिटीज ऑफ नेचर को एज कम्पेयर टू मैन. मैन जो है वो सिर्फ अपने इंटेलेक्चुअल बेस पे जो है नेचर को फेस करता है. आइडियाज हैव सर्टेनली हेल्प मैनकाइंड इन मेनी वेज बट इट कैन बी सेड दैट दीज हैव रियली एडेड टू ह्यूमन हैप्पीनेस. और आइडियाज जो है वो सर्टेनली हेल्प करते हैं मैनकाइंड की इन मेनी वेज लेकिन बट इट कैन बी सेड दैट दीज हैव रियली एडेड टू ह्यूमन हैप्पीनेस. लेकिन वो जो है ह्यूमन हैप्पीनेस को एड में एड ये जा सकते हैं. रसल सेज वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बॉर्डर. और वो कहता है कि हमने इन आइडियाज को परचेज किया है दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बॉर्डर. क्योंकि हमें जब बहुत ज्यादा लायबिलिटी हो जाती है बॉर्डर की, यानी कि ये जो इंसान ने बोर होने का जो एक ठेका ले लिया या हम छोटी छोटी बातों में बोर हो जाते हैं. आज तो मैं बोर हो गई, आज तो ये हो गया, कोरोना क्यों आ गया, घर से निकल ही नहीं पा रहे. तो वो कहता है कि हमने इस एडवांटेज को परचेज किया है एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लायबिलिटी बोर्डम, ताकि हम जो है इस ग्रेटर लायबिलिटी बोर्डम से बच सकें या उस ग्रेटर लायबिलिटी ऑफ बोर्डम के नतीजे में हमने इस एडवांटेज को परचेज किया. This is because happiness is something different from pleasure and amusement. वो कहते हैं कि happiness जो है वो बहुत different है pleasure और amusement है. जब हम bore हो जाते हैं हम क्या करते हैं, हम entertainment के लिए निकल जाते हैं. वो pleasure और amusement तो है लेकिन वो happiness नहीं है.
अब वो कहते हैं हैप्पीनेस तो बहुत डिफरेंट है प्लेजर और अम्यूजमेंट से. ठीक है, हम तो बोर होते हैं, हम व्हाट्सएप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, चलो फ्रेंड से बात कर लेते हैं, उसको थोड़ी सी बुराइयां सुना देते हैं उधर उधर के लोगों की. ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस तो बहुत डिफरेंट चीज़ है. ठीक है, ये तो हम प्लेजर और अम्यूजमेंट हो गया, ये तो हमारी एंजॉयमेंट हो गई, हमने एंटरटेनमेंट बना लिया है हर चीज को क्योंकि हम बोर हो जाते हैं. हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ इनसाइड आउट. वो कहते हैं हैप्पीनेस हमेशा इंसान के अंदर होती है, बट द फेक आइडियाज हैव रुइंड ह्यूमन हैप्पीनेस. लेकिन इन फेक आइडियाज ने, स्टेटस ने, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने, इस बोर्डम के वर्ल्ड ने, ठीक है, ये जो बोर होने का वर्ड है ना, इसने एक्चुअली हमें एंटरटेनमेंट पे लगा दिया. आप देखिए स्कूल्स के अंदर भी क्या हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई से कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट पे लगा दिया गया. फॉर एग्जाम्पल, आइडिया ऑफ फ्यूचर टेलिंग इज डिसगाइज्ड ब्लेसिंग. और ये जो आइडिया ऑफ फ्यूचर टेलिंग है वो एक डिसगाइज्ड ब्लेसिंग है. इट हैज़ इंक्रीज इन फियर एंड एन एग्जाइटी. और ये और ज्यादा इंक्रीज करता है किसको, फियर और एन एग्जाइटी, सॉरी, ये आइडिया जो है फ्यूचर टेलिंग का और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जब इंसान फियर में होता है और एन एग्जाइटी में होता है. देन ग्रांटिंग टू ह्यूमन बींग हैप्पीनेस, बजाय इसके कि इंसान को हैप्पीनेस में ये ग्रांट किया जाए, जब इंसान फियर और एनजाइटी में होता है, इंसान को फ्यूचर टेलिंग का जो आइडिया होता है वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाता है. लेकिन अल्टीमेटली वो इंसान के और फियर्स को एक्सपेंड कर देता है, उसकी क्यूरियोसिटी को एक्सपेंड कर देता है. रसल सेज वी सफर नॉट ओनली द इवल्स दैट एक्चुअली बीफॉल अस. ठीक है, हम इन इवल्स की वजह से, ये हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हम उसकी वजह से सफर नहीं करते, बल्कि हर वो चीज़ जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल हमें बताती है वी हैव रीजन टू फियर. वो चीज़ें जिनसे हम डरते हैं, अपनी किस्मत से डरते हैं, हाय मेरे बच्चे का पता नहीं क्या बनेगा जब बड़ा होगा, कौन से प्रोफेशन में जाएगा, फलाने का बच्चा वो यहाँ तक पहुँच गया, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया, उसका बच्चा बड़ा ताबेदार, मेरा नहीं है. तो ये सारी चीज़ें कि ईवल, हम अपने दिमाग में ईवल एक्चुअली जो हमारे साथ बुरा हो रहा होता है, यहाँ पे ईवल बेसिकली वो वाला ईवल नहीं है, शैतानी काम नहीं है. ईवल बेसिकली इंसान के साथ जो मिसहैप हो चुका होता है, एक्चुअली हम उसकी वजह से सफर नहीं करते, लेकिन उसके नतीजे में जो हम सोच रहे होते हैं ना, एक्चुअली वो असल रीज़न होती है हमारी सफरिंग की. तो वी हैव रीज़न टू फियर, उस वजह से हमारे पास एक रीज़न होती है कि हम हर वक्त उसको सोचते हैं और उससे डरते हैं. The other aspect in which ideas have failed, though not completely yet greatly, is establishment of friendliness and brotherhood. अच्छा, बाकी aspect जो इन ऐसे ideas के जिसमें fail हो जाते हैं, though not completely, yet greatly is establishment of friendliness and brotherhood. वो जो है establishment है friendliness और brotherhood की. Buddha and Christ and other moralists have extensively preached these ideas, yet it is in vain. वो कहते तो हैं friendliness और brotherhood के बारे में, लेकिन ये ideas जो हैं वो extensively preached तो इनको किया गया, लेकिन ये सब all in vain. In the words of Russell, our intelligence enables us to give emotions and a scope which is denied to even the most savage beast. अब वो कहते हैं कि कोई इंसान को जो है, जब उन्होंने इतना ज़्यादा इन मॉरलिस्ट ने एक्सटेंसिवली प्रीच किया, तो वो एक्चुअली ये सब ऑल इन वेन इस वजह से हुआ क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो हमें एनेबल करती है कि हम टू गिव इमोशन, कि हम इमोशंस दें, एंड अ स्कोप विच इज़ डिनाइड टू इवन द मोस्ट सेविज बीस्ट. और एक स्कोप जो कि डिनाई करता है मोस्ट सेविज बीस्ट को. देखें बेटा, हमारे अंदर की एक्चुअली फीलिंग्स होती हैं, बाज लोग अंदर से ही खूबसूरत होते हैं और मोहब्बत करने वाले होते हैं, तो ये उनके इमोशंस होते हैं कि उनके सामने कोई बीस्ट भी आ जाता है तो वो ये समझते हैं कि नहीं, ये इंसान बुरा नहीं है. ठीक है, तो यानी कि इंसान की अपनी सोच होती है, अगर वो ये सोच ले कि सब अच्छा है तो सब अच्छा हो जाता है, अगर वो ये सोच ले कि सब बुरा है तो सब बुरा हो जाता है. हम लोग एक्चुअली, हमारा सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि बेटा हम टो में लग जाते हैं, तजस्सुस में पड़ जाते हैं, और ये बहुत बड़ा गुनाह है. सूरह हुजरात में लिखा हुआ ना कि तजस्सुस में ना पड़ो. ठीक है, तफक्कुर और तदब्बुर जरूर करें, तजस्सुस ना करें. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाहिर पर मामला करो, जाहिर पर मामला करो. बाज़ औक़ात हमारे पास कोई कर्जा मांगने आता है, ठीक है, और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं,
अगर इफ दे सेड कि जी मुझे कर्जा चाहिए और अगर आपको लगता है कि उसको मांगने की आदत नहीं है, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल है मतलब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जाहिर पे मामला करो, या हमारे पास कोई सॉरी करने आ जाता है और फिर हम कहते हैं नहीं इसने फलानी दफा भी, अब इसको कैसे याद आ गया कि इसने मुझसे सॉरी भी करना। अगर हम जाहिर पे मामला कर दें फॉर एग्जाम्पल और टो में ना पड़ें, यकीन जानिए सब सुकून में हो जाता है। बाज लोग होते हैं हमारे मुंह पे बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, पीछे से हमारे बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। आप जाहिर पे मामला कर लें, ठीक है वो मेरे मुंह पे अच्छा है, ठीक है वो मेरे पीछे से क्या कहता है, मैं इसको बॉदर क्यों करूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये हमारी इंटेलिजेंस होती है जो एनेबल करती है हमें टू गिव इमोशंस, कि हम वो इमोशंस दें, वो हमारी इंटेलिजेंस ही होती है, ठीक है हमारी सोच होती है एंड अ स्कोप इंटेलिजेंस लेवल होता है इंसान का, और वो स्कोप जो कि डिनाई करता है इवन मोस्ट सेवेज बीस्ट, और जो कि मोस्ट सेवेज बीस्ट भी जब उसके सामने आ जाता है तो वो भी उसको डिनाई कर देता है कि नहीं बस ठीक है सब अच्छा है तो सब अच्छा है। उसके कहने का मतलब ये है कि इंसान की सोच होती है जो बुरे को भी अच्छा और अच्छे को भी बुरा बना देती है। जैसे मैं कहती हूँ ना बेटा जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होता, जो बुरा होता वो भी अच्छे के लिए हो रहा होता है, ठीक है। वो इंसान को बाद में जाके अंदाजा होता है कि यार वो जो आजमाइश आई थी ना वो तो अल्लाह ताला ने मुझे पक्का करने के लिए बनाई दी थी मुझे, ठीक है वो तो अल्लाह ने मुझे आजमाया था, तो वो बाद में बात होती है। लेकिन क्या ही बात है कि अगर आजमाइश आए और हम सब्र और शुक्र के साथ अपने वो वाली नेकियां भी इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमारी इंटेलिजेंस होती है जो हमें इन गिव देती है इमोशंस। और बेटा इमोशंस बहुत तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। मेरा किसी की तरफ इमोशन नेगेटिव भी हो सकता है, मेरे उसके बारे में ख्याल नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो वो ये कहता है कि ये हमारी इंटेलिजेंस होती है, सोच होती है जो कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बनाती है। यानी कि हमारे पास मोस्ट सेवेज बीस्ट भी आ जाए तब भी हम कहेंगे नहीं ये इंसान बुरा नहीं है। व्हेन रसल डिस्कसेस द आइडियाज दैट हैज हेल्प मैनकाइंड, ही क्लासिफाइज आइडियाज इनटू टू कैटेगरीज व्हिच आर टेक्निकल आइडियाज एंड मोरल आइडियाज। आइडियाज रिलेटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक्स आर हेल्पिंग मैनकाइंड सिंस द प्री हिस्टोरिक टाइम। द वेरी फर्स्ट बेनिफिशिएंट आइडिया वॉज द यूज ऑफ फायर बाय ह्यूमन बीइंग for protection from wild beasts and later for cooking purposes also. As some later say, the use of language initially oral and then in the written form was also a great idea of human beings. Russell thinks without it, it won't have been very difficult to hand over from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made. Or without it, जो है इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ओवर फ्रॉम जनरेशन। ये बहुत डिफिकल्ट है कि इसको इस आइडिया को हैंड ओवर किया जाए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उस इन्वेंशन को और उन डिस्कवरीज को जो कि ग्रेजुअली मेड हुई है। तो उसके बाद वो कहता है टेमिंग ऑफ एनिमल्स एंड इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर आर द लैंडमार्क्स इन हेल्पिंग आइडियाज। टेमिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स को अपने कारोबार के लिए एग्रीकल्चर के लिए यूज करना, विच वर ऑल्सो अचीव्ड इन प्री हिस्टोरिक टाइम। ये सारी चीजें प्री हिस्टोरिक टाइम में अचीव हुई। हाउएवर एट द फर्स्ट सम सुपरस्टिशियस बिलीव वर इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर दैट द फर्टिलिटी ऑफ लैंड रिक्वायर्स अ ब्लड ऑफ इन्फेंट्स। और ऑल्दो ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स थे उसके अंदर कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव थे, क्योंकि लोग कहते थे कि जब तक किसी इन्फेंट का ब्लड जो है उसकी बलि नहीं दी जाएगी, मतलब इन्फेंट क्या होता है नया पैदा हुआ जो बच्चा होता है उसकी वो बलि नहीं देंगे तो शायद जो है फसल अच्छी नहीं उगेगी। तो इस तरह के कई प्री हिस्टोरिक सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे। रसेल सिटराइज चाइल्ड लेबर इन इंडस्ट्री बाय कंपेयरिंग विद दिस सुपरस्टिशियस। और वो कहते हैं अगर पुराने ज़माने में इन्फेंट ब्लड जो है वो यूज़ किया जाता था या रिक्वायर होता था, तो आज के दौर में चाइल्ड लेबर जो है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो कहता है ये भी गलत है और वो भी गलत है, तब बच्चे इस तरह मारे जाते थे और अब बच्चे इस तरह मारे जाते हैं। He says it has now been discovered that grains will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by blood of infant। और वो कहता है कि अब ये तो डिस्कवर हो गया है कि ग्रेन्स जो है वो ग्रो भी करेंगे और कॉटन गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर भी होंगे without being watered by blood of infants, अगर वहाँ पे blood और infants
बच्चों की बलि ना दी जाए. Then in the era of historic times, the idea that will help mankind were the idea of mathematics and astronomy. According to Russell, in the recent time, the ideas made by some scientists greatly helped mankind. For example, Galileo's discovery of telescope, Descartes' method of skepticism, Newton's discovery of force of gravity. These were the people who developed the concept of investigation and inquiry, and thus separated the idealism and theoretical philosophy from science. Russell believed that the most important idea which helped mankind was the law of inertia. और रसल ने ये भी कहा कि जो आइडियाज इन्होंने हेल्प किया मैनकाइंड को वो लॉ ऑफ इनर्शिया है. लॉ ऑफ इनर्शिया पता है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, यानी कि जमीन जो है वो उसके अंदर एक अट्रैक्शन है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है. लेटर डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मेक अ ड्रामेटिक एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज. आफ्टर दिस रिसेंटली मैन कुड नॉट बिलीव इन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ फॉल ऑफ मैन. और इसके बाद जो है After this, recently, man could not believe in Christian doctrine of fall of man. और इसके बाद जो है इंसान जो है जब उसको ये सारे scientific knowledge मिल गए तो वो Christian doctrine यानी कि वो जो religious doctrine है fall of man का उससे उसको उसने believe करना छोड़ दिया. यानी कि इन scientific जितनी भी discoveries हुई उसने उससे इंसान का जो faith है वो loss हो गया था. The second category of helpful ideas is that of moral ideas. Russell suggests that the first and most important idea is the idea of brotherhood among men. But this has not been practiced well. वो कहता है सबसे अच्छा जो moral idea है ना वो brotherhood का है, लेकिन इसको practice अच्छा नहीं किया गया. The reason might be that man is complex being. He has the capacity to love, to appreciate beauty and to enjoy intellectual. उसके अंदर एक कैपेसिटी है टू लव और टू अप्रिशिएट ब्यूटी, और वो एंजॉय करता है इंटेलेक्चुअल को. एट द सेम टाइम ही इज कैपेबल ऑफ क्रुएलिटी, ग्रीड, इनडिफरेंस एंड नेवर एंडिंग प्राइड. और वो जो है एट द सेम टाइम वो कैपेबल है ऑफ क्रुएलिटी, ग्रीड का, इनडिफरेंस का और एवर एंडिंग प्राइड. यानी कि इंसान के दो रुख हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. इट कैन बी सीन थ्रू द ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ ज्यूज by Germans and of Germans by Russians. और ये देखा जा सकता है brutal treatment of Jews, के Germans ने Jews के साथ क्या किया था और फिर Russians ने Germans के साथ क्या किया था. That man is more prone to evil than good. क्योंकि इंसान जो है वो prone है to evil than good. Another great idea among the ideas, अब ये जो है ना man is more prone, man is more prone to evil than good. ये आप डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर भी लिख सकते हैं. इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसमें एम्फेसिस ऑन इवल आता है, तो वहाँ पे आप ये कोड लिख सकते हैं कि man is more prone to evil than good. And other idea is among the moral idea, that is the idea of liberty. A brotherhood के बाद हमारे पास idea of liberty है, but unfortunately it has a fluctuating history. लेकिन ये liberty का जो आज़ादी का नारा है इसकी एक fluctuating history है. For the idea of liberty generate the idea of slavery. क्योंकि idea of liberty ही generate करता है idea of slavery. There are commonly two aspects of liberty, individual liberty and the freedom of state. According to Russell, there should be some check on both these aspects. वो कहता है ना तो individual को fully liberty होनी चाहिए ना ही freedom of state होनी चाहिए, बल्कि दोनों को check and balance होना चाहिए. Otherwise there is an example of Nazis. नहीं तो Nazis Hitler को कहा जाता है ना, तो एक example होगी Nazis को, Nazis की, who extensively misused and misinterpreted the notion of national liberty for their selfish purpose. और उसने अपने selfish purpose के लिए, national liberty के लिए कितनी कत्ल और गारत की थी. In past years, similar exploitation was done by different religion sects. और इसी तरीके से similarly exploitation हुई थी जो कि different religion sects, यानी कि बहुत सारे religious फिरके थे जिन्होंने एक दूसरे का खून बहाया था and tried to exterminate other creeds and classes.
और दूसरों की क्रीड और क्लासेस को सेम इज विद फिरका वारियत. जब फिरका वारियत होती है तो ब्रदरहुड तो कहीं पे भी नहीं रह जाती, बल्कि लोग फिरकों के पीछे एक दूसरे की जाने ले लेते हैं. Russell is a great admirer of this concept. He says democracy was invented as a device for reconcile government with liberty. Or democracy jo hai wo invent kiya gaya as a device for reconcile government with liberty taaki government ko liberty di ja sake. Actually democracy bhi liberty ka hi dusra naam hai jo ki government ko de di jati hai taaki wo jo kuch marzi kar sake. Russell also describes some political ideas. Besides moral and technical ones which have held mankind, among these are the ideas of law and of government. Russell believes that government after a sufficient interval of time will accept the liberty of individual, and the same will be case with the idea of world government. According to him, after the recent technological development, there are only two really independent states. Such as Russia and America, and two. Secure peace of world, it is necessary to merge the state to form a single world government. Now Russell wishes that mankind must choose rational and logical way. The idea of world government is the only logical development, and if it happens, it would become the most helpful among the ideas that have ever have mankind. Otherwise it would not be conducted that ideas have helped mankind rather than harm mankind. Ab wo yahan pe kehta hai ki रसल विश करता है कि मैनकाइंड जो है वो चूज करे रेशनल और लॉजिकल वेज को, और आइडिया ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो ओनली लॉजिकल डेवलपमेंट है. ठीक है, ये एक लॉजिकल डेवलपमेंट है, एंड इफ इट हैपेंस, अगर ऐसा हुआ, इट वुड बिकम द मोस्ट हेल्पफुल अमंग द आइडियाज. एक्चुअली रसल ने ना ये जो कोल्ड वॉर है ना उसके बारे में कहा था. रसल ने ये जो बुक है ये उस वक्त लिखी थी जब ये अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी. अमेरिका जो है वो सोल सुपर पावर बनना चाहता था, रशिया उधर से दूसरी जो रशिया थे वो जो है कम्युनिस्ट थे, अमेरिकन्स जो हैं वो जो है कम्युनिस्ट नहीं थे. वो कहते थे कि भाई हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल आज़ादी होनी चाहिए, इस बेस पे इस नारे के साथ उन्होंने पूरी दुनिया में. तो अभी उस वक्त अमेरिका को सोल पावर नहीं मिली थी, इस वजह से वो ये जो आइडिया था ना वर्ल्ड गवर्नमेंट का, ये एक्चुअली अमेरिका का था. और इस वर्ल्ड गवर्नमेंट आइडिया को रसल ने डिफेंड किया था. ये और बात है कि बाद में क्या हुआ, अमेरिका ने उसको किस तरह से मिसयूज किया, लेकिन उसने ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडिया था उसने अमेरिका को डिफेंड किया था, अमेरिका के इस आइडिया को. और उसने कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी हेल्प करेगा मैन, तो अदरवाइज इट वुड ओनली बी कंक्लूडेड दैट आइडियाज हैज हेल्प मैनकाइंड रादर देन हार्म मैनकाइंड. उसके कहने का मकसद ये था कि जब एक ही वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी तो एक ही वर्ल्ड ऑर्डर होगा, और एक ही वर्ल्ड ऑर्डर होगा तो हर किसी को एक ही तरीके से हांका जाएगा, तो इस तरीके से शायद दुनिया के अंदर बेहतरी आ सके. लेकिन उल्टा इसका नुकसान ही हुआ था, इसका फायदा कोई नहीं हुआ था. यहाँ तक बेटा किसी का कोई